साथियों, सरकार ने बिजली ट्रांसमिशन के क्षेत्र में भी इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ाया है, जिसकी वजह से देश के ट्रांसमिशन नेटवर्क में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। पिछले 3 सालों में 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट पर काम किया गया है। ये पिछली सरकार के आखिरी 3 वर्षों की तुलना में 83% अधिक है। आप कल्पना कर सकते हैं, एक एक चीज आपको बताती है काम कैसे होता है। इस सरकार में लक्ष्य से 12% से ज्यादा ट्रांसमिशन लाइन लगाई गई है। इसके कारण न केवल आज देश को सुरक्षित और संतुलित ग्रिड उपलब्ध हुआ है, बल्कि हम अब तेजी के साथ वन नेशन वन ग्रिड वन प्राइस के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, वर्षों तक देश के पावर सेक्टर की उपेक्षा किए जाने की वजह से इस सेक्टर की बहुत बड़ी कमजोरी बन गया था पावर डिस्ट्रीब्यूशन। इस वजह से जितनी बिजली देश में पैदा हो रही थी उतनी बिजली लोगों को मिल नहीं रही थी। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां भी हर अतिरिक्त यूनिट पर आर्थिक नुकसान उठा रही थी। इस कमजोर कड़ी को तोड़ने के लिए, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मजबूत करने के लिए 2015 में सरकार ने उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना यानी उदय की शुरुआत की थी। उदय योजना का मकसद बिजली डिस्ट्रीब्यूशन के काम में लगी कंपनियों में बेहतर ऑपरेशनल और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्थापना करना था। जब कंपनियों में स्थायित्व होगा, वो व्यावसायिक रूप से मजबूत होगी, तभी डिस्ट्रीब्यूशन पर भी ध्यान दे पाएंगी। आज 3 वर्षों के लगातार प्रयास की वजह से बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की सेहत में सुधार आता दिख रहा है। इसी का नतीजा है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने अगस्त 2017 में तक लगभग 23,500 करोड़ रुपए की राशि बचाई है, जो उन्हें ब्याज के तौर पर देनी पड़ती थी। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार की स्थिति बनी। उदय के एक ही वर्ष में, साल 2016 के मुकाबले में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का सालाना नुकसान वर्ष 2017 में लगभग 42% कम हुआ है। उदय योजना विकास के लिए कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का भी शानदार उदाहरण के रूप में आप उसे देख सकते हैं।